नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप ऑन द व्हील्स यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग हैं गंगू कुंड उदयपुर में। यहाँ हम ये छत्रिया देखने आए हैं। लोकल भाषा में इन्हें छत्रिया बोला जाता है। एक तरह से ये शमशान है। यहाँ बगल में गंगा कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे राजाओं की अस्थियाँ के ऊपर ये छत्रिया बना दिया जाता था उनके याद में। जिस राजा का जैसा कद होता था वैसा ही उनकी छत्रिया होती थी। कोई छत्रिया आपको यहाँ बड़ी दिखेंगी, कोई छोटी है और किसी का बनावट अलग है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह है ये। अपने आप में इतिहास को संजोए रखा हुआ है। आप एक बार आओगे तो आप निराश नहीं होगे यहाँ से। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने एक पिलर दे रखा है। अगर आप बॉलीवुड मूवी के शौकीन हो तो आपको शायद ये सीन कहीं देखा होगा आपने। ये गंगू कुंड है, यहीं पे धड़क मूवी का भी शूटिंग हुआ था। हीरो यहीं पे कूदता है इसी पानी में और लड़की यहाँ पे बैठी रहती है, तो वो सीन को यहीं फिल्माया गया था। कुछ याद आया? उदयपुर से कुछ 18 किलोमीटर दूर एकलिंग जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है तो हमने शूट नहीं किया, लेकिन इसके आसपास लोकेशन बहुत अच्छा है। मेवाड़ के जो भी शासक रहे वो एकलिंग जी को ही यहाँ का राजा मानते थे और खुद को इनका दीवान मानते थे, तो यहाँ का एक तरह से राजा एकलिंग जी ही हुए। एकलिंग जी महाराज मंदिर में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मना है, खुद से आकर आपको देखना पड़ेगा। ये मंदिर बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है। इसके आसपास और भी बहुत सारे मंदिर हैं। एकलिंग जी महाराज मंदिर घूमने के बाद हम अगले दिन फतेह सागर झील की तरफ निकले। दिस इज वाई उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ आपको बहुत सारे झील मिलेंगे। दिस इज पिचौला लेक और सामने एक जग मंदिर भी है। ये भी लेक काफी सुंदर है। पिचौला लेक घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी पार्क के लिए, जो कि पिचौला लेक के बगल में ही है। देयर इज नथिंग मच टू सी हियर, बट इफ यू आर फ्रॉम उदयपुर यू कैन कम हियर फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दिस प्लेस इज वेरी गुड फॉर दैट। जो सबसे बड़ा एनिमल हमने यहाँ पे देखा वो ये गाय है और कुछ हमें दिखा नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग हैं सिटी पैलेस और यहाँ से म्यूज़ियम जाएंगे। तो सिटी पैलेस और म्यूज़ियम के व्लॉग के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।